अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है, एंशियंट नेम्स ऑफ टाउन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में शहरों के प्राचीन नाम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मैं रिकी ठाकुर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स में आपका स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जितना भी हिमाचल जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें आपको जो भी डाटा चाहिए होगा आपको मेरे इस चैनल में जितने भी प्लेलिस्ट बने हैं वहाँ पे आप चेक करके अपना जो है नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। और बड़े अच्छे से चीज़ों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, हर एक टॉपिक को बड़े प्रॉपर मैनर के साथ यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिमाचल में शहरों के प्राचीन नाम। लीजिए स्क्रीन में, हिमाचल में शहरों के प्राचीन नाम जो हैं लिस्ट डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि भाई एंशियंट नेम ऑफ टाउन इन हिमाचल प्रदेश, तो पहले ये तो पता हो कि भाई हिमाचल को, हिमाचल का नाम जो है किसने दिया जी? तो लिखना जी, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। बघाट कॉन्फ्रेंस में हिमाचल को, हिमाचल का नाम जो है किसने करा जी? आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। एक बघाट कॉन्फ्रेंस हुई थी, बघाट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन जिसे बोलते हैं बघाट, ठीक है। और वो कब हुई थी? 26 से 28 जनवरी 1948। राजा दुर्गा चंद जो हैं उसकी अध्यक्षता में ये चीज, ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी 26 से 28 जनवरी 1948। तो हिमाचल का नाम, हिमाचल ये वाला जो पहाड़ी प्रांत था इसका नाम हिमाचल रखा गया इस कॉन्फ्रेंस में। क्लियर है प्लीज? अब फर्दर बात करते हैं। हाँ, ये याद रखना, ये कॉन्फ्रेंस जो है बघाट में जो हो रही थी उसकी जो कॉन्फ्रेंस जो हेडेड बाय राजा दुर्गा चंद, ठीक है। अगेन अगला बात करते हैं जी, एंशियंट नेम जो है हिमाचल के, उससे पहले ये जो पहाड़ी प्रांत था इसे जो है, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश? देखिए जी क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो क्या नाम से जाना जाता है जी? त्रिग्रत। क्या नाम से जाना जाता है? त्रिग्रत के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कांगड़ा का भी पुराना नाम क्या था जी? त्रिग्रत। तो मतलब हिमाचल को भी पहले किस नाम से जाना जाता था? त्रिग्रत। गर्त मतलब तीन नदियों के बीच वाला जो भूमि का टुकड़ा, उसे जो है त्रिग्रत, गर्त जो है, ठीक है। द स्टेट ले इन द फुट हिल्स ड्रेन बाय थ्री रिवर्स। उन वो तीन नदियों के नाम हैं रावी, नदी ब्यास और तीसरी कौन सी? सतलुज। इन तीन नदियों के बीच में ये हिमाचल का उस समय का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा जो, कौन कौन सी? रावी, ब्यास, सतलुज। तो हिमाचल को जो है एंशियंट नेम जो हिमाचल का वो क्या नाम से जाना जाता था? त्रिगत। क्लियर है प्लीज? अगेन अब अगली बात करते हैं सीक्वेंसली, जो हिमाचल में जितने भी टाउन्स हैं उनके नाम, मतलब इन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था? बैजनाथ है जैसे आज के समय का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो बैजनाथ को किस नाम से जाना जाता था? उसका मॉडर्न नेम, उसका एंशियंट नेम, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? और साथ साथ में होप सो जिसके बारे में थोड़ा बहुत फैक्ट बताने लायक होगा मैं जरूर आपको साथ साथ में बताऊंगा। क्लियर है? तो लिस्ट बनाते चलना अपने कॉपी पेन लेके कि भाई किस जो है शहर को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे नंबर वन आपके सामने यहाँ पे है सुंदरनगर। सुंदरनगर अगर आपने आज के समय में मॉडर्न नेम सुना हो तो सुंदरनगर को प्राचीन नाम किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना किस नाम से? बनेड़। सुंदरनगर को किस नाम से जाना जाता था? बनेड़, जिसका प्राचीन नाम बनेड़, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में सुंदरनगर पड़ता है जो कि आज का मॉडर्न नेम है, लेकिन उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? बनेड़। दिख रहा है जी स्क्रीन में, यहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में लिखा है। अगेन दूसरा अगर हम बात करें बैजनाथ, बैजनाथ जो है वो मॉडर्न नेम है, लेकिन बैजनाथ को प्राचीन नाम जो है इसका क्या था? तो बैजनाथ का प्राचीन नाम था कीरग्राम। क्या नाम था जी? कीरग्राम। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा को भी पहले किस नाम से जाना जाता था? त्रिग्रत। हिमाचल को भी पहले किस नाम से जाना जाता था? त्रिग्रत। तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलुज, उसके बीच में जो है भूमि का जो क्षेत्र जितना भी, तब जो है
त्री त्री मतलब तीन नदियों के बीच की भूमि, वो जो है इस नाम से तब त्रिगत के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, अब बैजनाथ के लिए अगर आपने सुना होगा, बैजनाथ शिव टेम्पल बड़ा फेमस है वहां पे। अगर पौराणिक कथाओं में अगर हम बात करें तो भगवान जो हैं शिव को रावण जो है वो जब लेके जा रहे थे शिवलिंग में, तो भगवान शिव को वहां पे जो है किसी कारणवश उन्होंने जब शिवलिंग को जो नीचे भूमि पर रख दिया और वहीं पर वो स्थापित हो गई थी, तो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कौन सा जी, बैजनाथ, बैजनाथ शिव टेम्पल। और बैजनाथ का पुराना नाम कीरग्राम किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगला बात करते हैं नंबर थर्ड, बिलासपुर। बिलासपुर जो है, बिलासपुर टाउन का जो है नाम पुराना पहले किस नाम से जाना जाता था, कहलूर। और बिलासपुर को ही पहले और किस नाम से, ब्यासपुर। कहलूर और दूसरा नाम क्या है जी, ब्यासपुर। मेरी बात समझ रहे हैं प्लीज, तो बिलासपुर का पुराना नाम क्या है जी, कहलूर प्राचीन नाम, और ब्यासपुर भी इसका प्राचीन नाम है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। और अगर आपसे अगर क्वेश्चन बने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि हिमाचल में अगर हम बात करें कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है, बिलासपुर में। गॉट माय पॉइंट। एक और बिलासपुर के लिए याद रखना, जब हिमाचल बना था ना तो हिमाचल में तब चार डिस्ट्रिक्ट थी। यहां पे अगर मैं बताऊं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, महासू, मंडी, सिरमौर, चंबा, चार डिस्ट्रिक्ट। लेकिन हिमाचल में शामिल होने वाला चौथा, चार तो बन चुकी थी, पांचवा जिला जो शामिल हुआ था, डिस्ट्रिक्ट जुड़ी थी वो कौन सी जुड़ी थी, बिलासपुर। कब जुड़ी थी, 1954, 1954 में बिलासपुर शामिल हुआ था किसमें, हिमाचल में। क्लियर है, बाकी प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने एवोल्यूशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक टॉपिक बनाया है, वहां पे बड़े अच्छे से आपको चीजें समझाई हैं कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन, कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट जुड़ती गई। क्लियर है, अगला बात करते हैं जी चौथे नंबर पे, आज जो टॉपिक कर रहे हैं मॉडर्न और एंशियंट नेम, जो कि एग्जाम में बनता ही बनता है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, किसी न किसी एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। क्लियर है, अब सराहन की बात करें, सराहन एक मॉडर्न नेम है आज के समय का शहर का, टाउन का नाम, लेकिन उसे पौराणिक मतलब प्राचीन नाम इसका क्या था, तो क्या नाम था, शोनितपुर। क्या नाम था जी, शोनितपुर। और डिस्ट्रिक्ट किसमें जी, शिमला। ठीक है, जो कि हमारी कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगेन अगली बात करें क्वेश्चन फिफ्थ, सॉरी फिफ्थ नंबर पे जो है वो क्या है जी, ऊना। ऊना को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ऊना को पहले जाना जाता था जसवां दून। ऊना का पुराना नाम क्या है जी, जसवां दून। अब ऊना जो है वो मॉडर्न नेम है, एंशियंट नेम इसका जसवा दून, किस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ऊना। ऊना जो है 1972 में इसकी फॉर्मेशन बना है ये कांगड़ा को टूटकर। क्लियर है, अगला बात करते हैं जी नूरपुर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बना हुआ है। नूरपुर जो है मॉडर्न नेम है, और नूरपुर को एंशियंट नेम जो है वो किस नाम से जाना जाता था, धमेरी। धमेरी के नाम से जो प्राचीन नाम है नूरपुर का, तो नूरपुर जो है जो प्लेस टाउन जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अगला बात करते हैं जी भरमौर। भरमौर आपने सुना होगा, अगर आप मणिमहेश यात्रा करते हैं तो रास्ते में जो है भरमौर से होके आप मणिमहेश यात्रा पूरी करते हैं आगे, तो भरमौर जो है पहले प्राचीन नाम जो भरमौर का था वो क्या था, ब्रह्मपुर। क्या नाम था जी, ब्रह्मपुर। भरमौर को पहले ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था, और भरमौर जो है वो डिस्ट्रिक्ट किसमें आता है जी, चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में भरमौर पड़ता है, जिसको पौराणिक नाम जो है इसका, प्राचीन नाम जो है वो क्या है, ब्रह्मपुर। अगेन फर्दर आगे बात करें, कांगड़ा शहर जो है, कांगड़ा शहर जो है उसे किस नाम से जो है प्राचीन नाम से जाना जाता था, तो मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस करा कि हिमाचल को भी त्रिगत के नाम से जाना जाता था, तो भाई कांगड़ा को भी किस नाम से, त्रिगत के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कांगड़ा शहर को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या जी, नगरकोट। अगर आप कांगड़ा घूमे हो या कांगड़ा के ही लोग मतलब डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के लोग हैं, तो आपको पता होगा बृजेश्वरी मंदिर जो है, बृजेश्वरी टेम्पल जो है वो कहाँ पे है, कांगड़ा में है। और बृजेश्वरी टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है, नगरकोट धाम। क्या नाम से जाना जाता है, नगरकोट धाम, नगरकोट धाम। समझ रहे हो मेरी बात, तो यहां पे बृजेश्वरी मंदिर जो है उसे नगरकोट धाम से भी जाना जाता है। तो कांगड़ा शहर का पुराना नाम क्या था, नगरकोट, और कांगड़ा शहर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। गॉट माय पॉइंट।
अगेन अगला बात करते हैं कुल्लू, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, सॉरी नाइन्थ जो है फैक्ट जो हम कर रहे हैं सीक्वेंसली, सीरियल नंबर नाइन्थ, कुल्लू। कुल्लू का पुराना नाम कुलुत, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। अगला टेंथ सीरीज चले अगर आगे जो कर रहे हैं, नालागढ़ बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लीज, ऊना के लिए जैसे जसवां दून था है ना, कांगड़ा के लिए त्रिगत नगर कोट, कुल्लू के लिए कुलुत है ना, इसी तरह से सराहन अगर आपने करा, सराहन शोनितपुर, नूरपुर धमेरी, भरमौर ब्रह्मपुर, बैजनाथ कीरग्राम, सुंदरनगर बनेड़ है ना, ये नाम जितने भी ऊपर बिलासपुर के लिए कहलूर और ब्यासपुर, बाकी हमने डिस्कस करा किस किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। अब जो बात आ रही है जी नालागढ़ की, नालागढ़ जो है उसे पहले प्राचीन नाम उसका हिंडूर, पेपर में आया हुआ बना हुआ क्वेश्चन हिंडूर, और नालागढ़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट किस में आता है प्लीज, सोलन, जो मैं पहले भी बात कर रहा था ना बघाट कॉन्फ्रेंस के, बार ना वो सोलन सम्मेलन भी लिखा होता है एग्जाम में जो है ना, हिमाचल का नाम हिमाचल पहले मैंने ऊपर जो डिस्कस करा था, तो भाई सोलन सम्मेलन भी लिखा होता है और कई बार क्या लिखा होता है बघाट सम्मेलन, ठीक है वो भी चीज याद रखना। अगेन डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन सीक्वेंसली अगर बात करें तो इलेवेंथ जो है हमारा शिमला, शिमला का जो है मोस्ट ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द प्रेजेंट डे शिमला सिटी वॉज डेंस फॉरेस्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, द ओनली सिविलाइजेशन वॉज द जाखू टेम्पल, आपको पता जी वहां पे जाखू टेम्पल एंड अ फ्यू स्कैटर्ड हाउसेस, द एरिया वॉज कॉल्ड शिमला नेम्ड आफ्टर अ हिंदू गोडेसिस श्यामला देवी एंड इनकरनेशन ऑफ माँ काली। आपको पता होना चाहिए कि भाई शिमला का पुराना नाम क्या था जी, श्यामला देवी, और शिमला को अंग्रेज लोग जो है वो क्या नाम से पुकारते थे, शिमला, क्या पुकारते थे, शिमला। तो शिमला का पुराना नाम जो है श्यामला देवी के नाम पर पड़ा है, और शिमला जो है अंग्रेज ब्रिटिश भारत के समय ब्रिटिशर्स जो हैं अंग्रेज जो हैं शिमला के नाम से अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे शिमला कहते थे, और ये डिस्ट्रिक्ट किस में पड़ता है जी, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और आपको पता है शिमला जो है वो क्या है, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला भी कैपिटल है, शिमला कौन सी वाली है, ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और धर्मशाला कौन सी है, विंटर कैपिटल शीतकालीन राजधानी धर्मशाला, और ग्रीष्मकालीन शिमला जिसे बोलते हैं जी समर कैपिटल, क्लियर है। अब शिमला के लिए याद रखना, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है, शिमला जो है 1864 के समय ब्रिटिश इंडिया की क्या बनी थी, समर कैपिटल, कब, 1864, पेपर में ये बना हुआ क्वेश्चन। शिमला ही जो है, शिमला शहर पंजाब की भी राजधानी रही, और पंजाब का हाई कोर्ट भी पहले कहां हुआ करता था, शिमला। शिमला जो है सिटी जो है पहले पंजाब का हिस्सा था, जब पंजाब टूटा था ना, पंजाब टूटा था, यहां पे अगर मैं आपको तारीख बताऊं, 1 नवंबर 1966 पंजाब पुनर्गठन जब हुआ था, उस समय शिमला शहर जो है वो किस में आता था, पंजाब में आता था, पंजाब का हाई कोर्ट भी तब भी तो पहले कहां था, शिमला में। एट प्रेजेंट पंजाब हाई कोर्ट कहां है, और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है, तो हाई कोर्ट भी कहां है, चंडीगढ़। तो हमारे पास जो शिमला ब्रिटिश भारत की भी राजधानी रही है, लेकिन कौन सी वाली राजधानी, समर कैपिटल, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वैसे तो है वो कौन सी थी, दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से पहले कलकत्ता फिर दिल्ली शिफ्ट करी गई थी। आप मेरे प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस चेक करना, आपको बड़े अच्छे से प्रॉपर मैनर से यहाँ पे जो है बड़े अच्छे से स्टडी करवाई जा रही है इस चैनल के माध्यम से, चैनल का नाम है लेट्स क्रैक हिम एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लग रहा है, तो काइंडली इसे बच्चों में जरूर शेयर करना, मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करा होगा, क्लियर है। अब अगली बात करते हैं जी, ट्वेल्थ सीक्वेंस पे अगर बात हो रही है, कल्पा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल्पा जो है किन्नौर जिले में आता है आज के समय में, लेकिन इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, चीनी, बात समझ रहे हैं जी, चीनी के नाम से जाना जाता था। और किन्नौर भी जब बना था ना, एक चीज और याद रखना, मैंने आपको ऊपर बताया था ना हिमाचल जब बना था तो चार जिले, पांचवा जो ऐड हुआ कौन सा,
बिलासपुर, और जो सिक्स डिस्ट्रिक्ट आई थी वो कौन सी थी? छठवां जिला, सिक्स्थ, छठा छठा जिला जो बना हिमाचल का, जो ऐड हुआ वो कौन सा? किन्नौर। कब? 1960। तारीख अगर लिखूं तो 1 मई 1960। ये जो किन्नौर है ना, उस समय का जो महासू जिला था उसे ही टूटकर उसकी चीनी तहसील अलग होकर किन्नौर बना था, जिसका नाम, जी चीनी जो है प्राचीन नाम था, तो नया नाम क्या है? कल्पा। क्लियर है प्लीज? अगला बात करते हैं 13 जो है सीक्वेंसली, मंडी, जो कि आप याद रखना मंडी जो है डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही है, लेकिन मंडी का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? मांडवनगर। मंडी का जो नाम है वो क्या है? मांडवनगर। और मंडी को ही छोटी काशी या बनारस के नाम से, हिमाचल का बनारस किसे कहते हैं? मंडी या छोटी काशी के नाम से जाना जाता है किसे? मंडी स्थान को। क्लियर है प्लीज? मांडवनगर इसका क्या था? प्राचीन नाम। अगला अगर हम बात करें जो लास्ट है सीक्वेंस में, पठानकोट। देखो मैंने ये ऐसे ही ऐड करा है, क्यों? क्योंकि नूरपुर जो है ना, जैसे आपने ऊपर पढ़ा नूरपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, उसका प्राचीन नाम क्या अभी अभी डिस्कस करा है? बिल्कुल जी, धमेरी। धमेरी जो है प्राचीन नाम था, तो नूरपुर की जो राजधानी हुआ करती थी ना, देखो आज के समय में पठानकोट जो है वो हिमाचल का हिस्सा नहीं है, पठानकोट जो है वो कहाँ आता है? पंजाब में है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि आप जो है इसका आगे पढ़ोगे, पठानकोट का जो है जो पुराना नाम था और उसकी जो हिस्ट्री है ना, कि वहां से हमारे बहुत सारी चीजें हमें जो है ना, आर्ट एंड कल्चर में आप देखना, प्लेलिस्ट में चेक करना, वहां आपको एक टॉपिक मिलेगा उदम्बरा के बारे में, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। वैसे आप अगर बुक्स पढ़ते हो तो शायद ही आपको पठानकोट का प्राचीन नाम वहां पे लिखा हो। क्लियर है? आप देखना हिमाचल में रेलवे लाइन है, जैसे कालका शिमला सुना होगा आपने ना, ऐसे ही पठानकोट जोगिंदरनगर सुना होगा। तो पठानकोट पहले हिमाचल का ही, मतलब एक साथ जो जो भी बाउंड्री थी, मतलब नूरपुर की पहले क्या हुआ करती थी? राजधानी। तब मैंने इसको ऐड कर लिया है पठानकोट। तो पठानकोट जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? अदम्बरा। इस नाम से उदम्बरा, और क्या नाम से जी? पाटन प्रस्थ। क्या नाम से जी? पाटन प्रस्थ, ठीक है। अगेन एंशियंट टाइम पठानकोट इज द कैपिटल ऑफ नूरपुर, मतलब प्राचीन काल में जो है पठानकोट जो है धमेरी या फिर नूरपुर की क्या होती रही थी? राजधानी, ठीक है। और आज के समय में मैंने पहले बोल दिया ये कहां पे? पंजाब स्टेट में, और उनकी डिस्ट्रिक्ट है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहले गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था एरिया, लेकिन ये अलग एक डिस्ट्रिक्ट बन गई है, ठीक है। अब पठानकोट जिले का अगर इतिहास की बात करें ना, तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्राचीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका जो प्राचीन नाम जो है मैंने आपको पहले ही बताया, वो क्या जी? औदम्बरा। और प्राचीन काल में पठानकोट जो है नूरपुर राज्य की राजधानी थी। इसका जो है धमेरी रियासत है, ठीक है, जैसे आप रियासतें पढ़ते होंगे ना, बुशहर रियासत, ठीक है जी, चंबा रियासत, मंडी रियासत, कहलूर रियासत, है ना, इसी तरह से जो है धमेरी रियासत के बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो धमेरी किसका नया नाम है जी? पुराना नाम तो धमेरी था, नया जी नूरपुर। पठानकोट इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहां पर पठान खानदान के लोग आए, उन्होंने शासन करा, और जी पठानकोट नाम पड़ गया किसका? उदम्बरा का। तो उदम्बरा के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लेलिस्ट में चेक करना, आपको वहां पे जरूर इसके बारे में डिटेल मिलेगी, सिक्के प्राप्त हुए और क्या इंपॉर्टेंस रही है इस एरिया की। तो वो हम हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में जरूर वहां आपको मिलेगा ये टॉपिक। आज के लिए जो हमने ये टॉपिक करा, हमारे पास जो था एंशियंट नेम ऑफ टाउन इन हिमाचल प्रदेश, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।